जय श्री महाकाल दोस्तों। तो फिर मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प वीडियो। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या खास बातें। और मैं आपको बता दूं, आने वाला मेरा वीडियो आपको ये बताएगा दुर्लभ कश्यप के पीछे किसका हाथ था, कौन था ऐसा शख्स जिसका सबसे बड़ा हाथ दुर्लभ के ऊपर था। तो आइए मैं बताऊँगा वो शख्स कौन है। उस शख्स ने एक मसीहा है, इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। और तो और ये वीडियो को देखें और हमें बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है अपने को। तो चलो चलता हूँ, अगले वीडियो में मामले तैनात करूँगा फिर से। जय श्री महाकाल दोस्तों। आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ दुर्लभ कश्यप की मौत कब हुई और क्या तारीख थी, क्या समय था। बहुत सारे लोगों की कमेंट आई जिनमें लोग उन्हें ठीक से तारीख बता नहीं पाए, इसलिए मैं आपको क्लियर वाली तारीख बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। और मैं आपको बता दूँ, कर्नाटक के मर्डर के बाद दुर्लभ कश्यप को जब सेंट्रल जेल भेजा गया, उस बीच में शाहनवाज से हुई लड़ाई को लेकर दुर्लभ कश्यप यारों के यार आज हमारे किसी के बीच में नहीं रहे। तो उस रात जो रात थी वो बहुत काली रात थी। तो आइए उस रात की तारीख आपको बता देता हूँ, क्या तारीख थी, कौन सा वार था, क्या समय था, कौन सी जगह थी, कौन सा एरिया था। चलो तो उस दिन उज्जैन रफीक गंज की हार फूल वाली गली में 7 सितंबर 2020 को सोमवार के दिन जय श्री महाकाल वाले दिन दुर्लभ कश्यप हमारे महाकाल को प्यारे हो गए। इसी के साथ आपको मैं बता दूं, दुर्लभ के और वीडियो डाले हैं मैंने 15 टॉप बदमाश दुर्बल के साथ वाली गैंग के वीडियो। पापा ने दुर्लभ कश्यप के पिता मनोज कश्यप ने उसे क्या सीख दी उसके वीडियो, और टॉप भारत के 15 बदमाशों के वीडियो। इन सब वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलता हूँ, जय श्री महाकाल। आने वाला वीडियो बहुत ज़्यादा खास होगा, उसे कृपया ज़रूर देखें। बाय बाय।